हरि शरणम। आज सुबह का चिंतनीय चिंतन, पहला प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करता है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ और भय ही संसार के दुख का मुख्य है। क्या चीज है जो दूसरों से कभी भी नहीं लेनी चाहिए? इज्जत और किसी की हाय। ऐसी चीज जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है, वो है मजबूरी। दुनिया की अपराजित चीज सत्य। दुनिया से सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज झूठ। करने लायक सुकून कार्य परोपकार। दुनिया की सबसे बुरी लत मोह। दुनिया का स्वर्णिम स्वप्न जिंदगी। दुनिया की अपरिवर्तनशील चीज मौत। ऐसी चीज जो स्वयं को भी समझ न आए, अपनी मूर्खता। दुनिया में कभी भी नष्ट न होने वाली चीज आत्मा और ज्ञान। कभी न थमने वाली चीज समय। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ और भय ही संसार के का मुख्य कारण है। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की है? ईश्वर ने संसार की रचना की है और मनुष्य ने अपना विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की है। क्या ईश्वर है? कौन है वे? क्या रूप है उनका? क्या वो स्त्री है या पुरुष? इसका उत्तर है, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसीलिए वे भी हैं। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है और न ही पुरुष। भाग्य क्या है? हर क्रिया हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है तथा आज का प्रयत्न ही कल का भाग्य है। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं और उसे सभी देखते भी हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर है लोभ। कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? उत्तर, अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध। धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? दया। क्या चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए? तकलीफें और धोखा। श्री हरिशरणम। जय गुरुदेव। ओम।